No matter I'm going out alone, with my friends, or with someone special, these are my everyday carry essentials. So let's check them out. ओके, तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो अपने EDC में कैरी करता हूँ वो है मेरा iPhone 11 बेस वेरिएंट। ये फोन मैं पिछले 4 साल से एवरी सिंगल डे यूज कर रहा हूँ और अभी तक मेरे को इस फोन को चेंज करने का उतना बड़ा मेजर रीजन नहीं मिला है। यस, कुछ टाइम बाद जब इसमें एप्पल का अपडेट्स आना बंद हो जाएगा तब शायद मैं इसे स्विच कर लूंगा, बट राइट नाउ ये फोन अभी भी बहुत मस्त परफॉर्म कर रहा है। इसका कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, एवरीथिंग जस्ट वर्क्स कंप्लीटली फाइन। इनफैक्ट इस फोन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखा है, तो अगर तुम चाहो तो यहाँ जाकर के देख सकते हो। और तो अपने फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्पीगन का ये लिक्विड एयर केस। अब इस केस को भी ऑलमोस्ट 2 से 2.5 साल हो चुका है और अभी तक इसमें कोई भी स्क्रैच, डेंट कुछ नहीं आया, जबकि मेरा फोन 2-3 बार गिर भी चुका है। और अगर टेम्पर्ड ग्लास की बात करें तो ये ऐसे ही सस्ता सा 80 रुपए वाला एक फ्रॉस्टेड टेम्पर्ड ग्लास है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो मेरे EDC में आता है वो है मेरा एयरपॉड्स प्रो। नो मैटर व्हाट, मैं कहां भी जा रहा हूं कुछ भी करने के लिए, ये हमेशा हमेशा मेरे पॉकेट में रहता है। अब इसका मेरे साथ बस एक ही प्रॉब्लम है कि मैं इसको रेगुलरली चार्ज करना भूल जाता हूँ, और जब भी इसका चार्ज खत्म हो जाता है तो मैं इसे चार्ज पे लगा के यूज करता हूँ अपना वायर्ड ईयरफोन्स। ये वही एप्पल का रेगुलर वायर्ड ईयरफोन्स है। अब इसका साउंड क्वालिटी बिल्कुल इसी की तरह है, बस ट्रांसपेरेंसी मोड पे। नेक्स्ट थिंग इज माय कार्ड होल्डर फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। अब इसमें यहाँ पे 3 और पीछे 3, यानी कि टोटल 6 कार्ड कैरी करने का स्लॉट है, और यहाँ बीच में ये एक स्लॉट है जहाँ पे तुम अपना कैश रख सकते हो। अब इन सारी चीजों को एक साथ कैरी करने के लिए मैं यूज करता हूं अपना वेस्ट पाउच। ये पाउच मैंने डिकैथलॉन से लिया था और ये एक रनिंग वेस्ट पाउच है। अब इस वेस्ट पाउच में मेरा फोन, एयरपॉड्स, वॉलेट सब चला जाता है। इसका जो बैंड है वो इलास्टिक है, तो इसे पूरी तरह से टाइट करके पहनने से कोई भी वेट फील नहीं होता। नेक्स्ट थिंग इज माय एक्स सिग्नेचर पॉकेट परफ्यूम। ये है इंटेंस स्ट्रॉन्ग वुडी फ्रेग्रेंस मिनी टिकट। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस है और इसको कैरी करना ही बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज माई MI बैंड। मैं इसे ऑलमोस्ट 20+ आवर्स के लिए पहन के रखता हूँ क्योंकि ये इतना ज्यादा लाइट वेट है कि ये हाथ में फील ही नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे को इस बैंड पे मेरे कॉल्स, मैसेजेस और बहुत सारे एप्स के नोटिफिकेशन आराम से यहाँ डिस्प्ले में आ जाते हैं। और तो और, वर्कआउट लगाते वक्त मेरे स्टेप्स, डिस्टेंस और हार्ट रेट का सारा डेटा मुझे यहाँ पे आराम से मिल जाता है। नेक्स्ट अप इज माय स्पेक्स। अब मेरे पास स्पेक्स के 2 फ्रेम्स है, एक ये वाला जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देता है और एक ये वाला जो थोड़ा सा कैजुअल लुक देता है। एंड आई ऑल्सो कैरी अ पेयर ऑफ सनग्लासेस जो कि मैंने ऐसे ही एक रैंडम शॉप से खरीदा था और ये मेरे पे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड द लास्ट थिंग ऑफ माई एवरी डे कैरी इज माई हैंकरचिप, विच इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गाय टू कैरी। ओके, सो दिस वॉज माई एवरी डे कैरी एसेंशियल्स। इनमें से बहुत सारी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।